समाचार राष्ट्र नहीं बनाना। लंबे लंबे श्वास। ऐसे आराम आराम एक अनुष्ठान के तरह योग करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, सतपथ पर ऋषि पथ पर चलना और चलाना। ऐसे चलो नेक्स्ट। चरित्र निर्माण भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले में हम चरित्र निर्माण न भूले स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले हर स्वार्थ साधना का कल्याण न भूले। लंबे लंबे श्वास कितना कर पाते हैं आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह के। जीवन का निर्माण भी और निर्वाण भी योग से। जीवन का निर्माण माने करेक्ट बिल्डिंग, पेशेंट बिल्डिंग, और निर्वाण माने मोक्ष, छूटना। ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सत्य धर्म न्याय से जुड़ना, और निर्वाण माने छूटना अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्बलताओं से, स्वार्थों से, विकारों से, क्लेशों से। लंबे लंबे श्वास। निर्माण भी होगा, निर्वाण भी होगा, और आत्म कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। उसका मार्ग है ये, उसका पथ है योग, उसकी प्रक्रिया है ये। हर माना यगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। कमर में दर्द है तो थोड़ा झुकना है, कमर दर्द है आगे नहीं झुकना, हरनिया है पीछे नहीं झुकना, हार्ट है बीपी की प्रॉब्लम है, जोर जबरदस्ती नहीं करना, सहजता के साथ। मानायगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ जब प्राणी का उपकार नहीं है। ओ मानायगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ जब प्राणी का उपकार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में, किंतु डूबना मझधारों में, सांस को स्वीकार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में, साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में, साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। हर स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जिनको कमर में अधिक दर्द है वो इतना ही झुकना, बस इतना। जिनको नहीं है वो यहां तक आ जाना। होले होले एक अनुष्ठान।
निर्णय आदर्श श्रेष्ठ तार बिना झनकार नहीं है। हर शिक्षा क्या सरसार सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। फिर विनय आदर्श श्रेष्ठ तार बिना झनकार नहीं है। हर शिक्षा क्या सरसार सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। संस्कृति का सम्मान न भूले कृति को मुदे की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। थोड़ा कोशिश करो, एकाग्रता बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी, धीरता गंभीरता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन में ज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। वो सृजनहीन में ज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उद्यानों में जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। स्वार्थ साधना की आनी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। आपने भी किया ना, बैठ जा। कोई ना, मैंने कर लिया, आपका भी कुछ ना कुछ तो हो ही गया। चलो, कुछ पसीना आया। अब जब तक 1 किलो पसीना नहीं आ जाएगा तब तक लगे रहो, निचोड़ डालो सब पापों को। कुछ लोग पाप मुक्ति के लिए क्या करते हैं, पाप मुक्ति के लिए बोलते हैं ये कर्मकांड कर लो, ये बपतिस्मा ले लो, ये ताबीज पहन लो, ये डोरा गंडा पहन लो, ये स्नान कर लो, ये जप तप कर लो। ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं भाई। ये मामला गड़बड़ा रहा है। लंबे लंबे श्वास, कोशिश करो। ऐसे भुजंगासन तो सब कर लेते हैं, 10-10 करके 100 बार ऐसे कर लेना, और दंड बैठक एक साथ ही करने हो। एक तो ये साधारण दंड है और एक मिश्र दंड है। होले होले, ये कर दिया काम। ऐसे बॉडी को स्ट्रेंथन करो, पावर योग, योगा फॉर स्ट्रेंथन, बल के लिए योग, बलम उपास, बल की उपासना कर, निर्बल मत बन, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान। लंबे लंबे श्वास,
जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें? वो भुजंग आसन करने से पीछे से लेट जाएं और आगे से ऐसे ऐसे होले होले सब करो, दमखम के साथ करो, यथाशक्ति करो। दो दिनों से बरसात ने थोड़ा विवश कर दिया था अंदर घुसने के लिए, अब आज थोड़ी देर में हवा भी आएगी। भगवान बहुत मेहरबान है। लंबे लंबे श्वास। ये तो होले होले बताया था मैंने। मैं तो ऐसे सुपर फास्ट भी करता हूं। हाँ, ऐसे करके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, शरीर की तरफ, आगे की तरफ, चारों दिशाओं में पंजे टिका करके गाड़ दो पंजे और गाड़ दो झंडे। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना हो पाए उतना करना भाई। हाँ, अति उत्साह में आकर के दस दस बार से शुरू करो। ऐसे ऐसे दस दस बार से शुरू करना और 100 बार तक पहुंचना है। कितने बार तक? 100 से कम मुझे गिनती आती नहीं। ऐसे यहां से 100 साल से पहले मरना भी बोलो, और 100 अभ्यासों से पहले रुकना भी नहीं है। और जैसे मैं कहता हूं वैसे लोग योग और उद्योग करें तो 100 करोड़ से कम वेल्थ किसी के पास नहीं होगी। अभी स्वदेशी के काम को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ तो मैं ही बांट रहा हूं, पुरस्कार के रूप में, सत्कार के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़ तो हम स्वदेशी के प्रचार के लिए, स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का पुरस्कार। कितने का? 100 करोड़ का। लंबे लंबे श्वास। स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का पुरस्कार, सत्कार। लंबे लंबे श्वास। देखो ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे होले होले कर लो, ऐसे ऐसे करो। देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये होले होले हो गया और फास्ट। ये फास्ट बाकी भुजंगासन करो कुछ तो। ऐसे बड़ी तीखी नजरों से देख रहे हैं, इतना प्रहार सहन जाएगा मेरे भैया? कर लो जरा लंबे लंबे श्वास और जगाड़ दिए झंडे। बोले बाबा जी आप तो इतने हौसले से भर देते हो, फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, इतना तो ताकत है नहीं, और आप कहते हो सीधा 100 बार। अरे 10 बार से यात्रा शुरू तो कर। इतना नहीं हो पा रहा तो ये तो हो जाता है ना। देखो ऐसे भुजंगासन सबके लिए जरूरी है। मैंने नियम ले रखा है, कुछ भी हो जाए 100 बार से लेके 500 बार तक रोज करना है। जब प्रलय हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कितनी ही अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो पथ का विधान है, अंधेरे और उजाले। मैं तो ये वाला करता हूं ऐसे, 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 ऐसे।
बोले बाबा जी उल्टी पुलटी मरवा रहे हो, यहाँ पहले तो निकलना मुश्किल और निकल गए तो वापस आना मुश्किल। चलो ऐसे बैठो, या इसको तो 100 बार कर लोगे ना, तो यही सही। हाँ लंबे लंबे श्वास, कोई भी अभ्यास 100 बार से शुरू कर, एक बार पसीना बहाओ। बोलो भारत माता की, करो जरा मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। लंबे लंबे श्वास भरो, आराम आराम से ऐसे ऐसे। करते रहो, देखो आराम आराम से कर लेना, करते रहो जिससे जितना बन पाए, थक जाओ तो धीरे धीरे कर लेना। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, सबकी मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निष्दिन प्रतिपल प्रभु से करते सबकी मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया। 2-3 राउंड में कर लेना, थोड़े हाथ ही थक जाते, बिना बोझा उठाए अपना ही नहीं उठाए। शाश्वत ईश्वर है, सब में उसकी छाया, सतत एक शाश्वत ईश्वर है, सब में उसकी छाया, जीव जगत जड़ चेतन गुणव फैली उसकी माया, सब उसके सत्पुरुष हैं, हम सब उसके सत्पुरुष हैं, नहीं किसी को तारना, निष्दिन प्रतिपल प्रभु से करते सबकी मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, गोल घुमाओ। बोलो बाबा जी इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लॉन्ग, हार्ट, हाथ, पैर, पेट, पीठ सब व्यवस्थित हो जाए। गोल गोल घुमाओ। एक एक अभ्यास की बड़ी महिमा है, लगातार करो तब मुझे कहना नहीं पड़ेगा क्या होता है। ये तो हो गया मामला।
श्यामला भारत देती है सदमंत्र तपस्विता ले जीवन जीते लोग यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्विता ले जीवन जीते लोग यहाँ ब्रह्मचर्य संयम व्रत सेवा ब्रह्मचर्य संयम व्रत सेवा संकल्पित हो साधना निश्चिन प्रतिपल प्रभु से करते सबकी मंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सभी सुखी हो सभी निरोगी सब में हो सद्भावना निश्चित प्रतिफल सबकी मंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पहली बात 5 मिनट ऐसे कर लो, ये बीच में टमी लगी पड़ी है, दीवार अड़ गई है अपने ही भीतर, हमने बाधा खड़ी कर ली। आज ये पेट का पूरा कचूमर निकालना है, करो ऐसे 25-50 बार। पेट मोटे मोटे हो गए, ये टमी का भरना बड़ा डेंजर है। लंबे लंबे श्वास, यदि किसी का पेट मोटा नहीं होगा तो कोई रोग अटैक नहीं। लंबे लंबे ये पेट खतरे की निशानी है, जैसे कहीं कहीं तीव्र मोड़ होता है ना, तो क्या लिखा रहता है, आगे खतरा है, आगे खतरनाक मोड़ है। तो पेट बढ़ गया तो आगे खतरा है। लंबे लंबे श्वास, ओ जाने और वे जाने यहाँ का मानव हित कर रहा सदा, जाने और वे जाने यहाँ का मानव हित कर रहा सदा, धनवंतरि का आयुर्वेद आयुष वर्धन करे सदा, धनवंतरि का आयुर्वेद आयुष वर्धन करे सदा, दिव्य चरक करके बाट नाम निश्चित प्रतिफल प्रभु से करते सबकी मंगल भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सभी सुखी सभी निरोगी सभी सुखी सभी निरोगी करते सबकी मंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, वे लेट जाओ। अब एक को कहूंगा तो कोई लेटेगा नहीं, चलो सभी लेट जाओ, चलो।
सारे लेट जाओ। अब लेट करके तीन तरह के अभ्यास करने, जो मोटे मोटे हैं वे तो सौ सौ बार ऐसे करना, एक एक या दोनों पैरों से। आज मैं योग एक सुपर साइंस कैसे है, अल्टीमेट साइंस कैसे है, लंबे लंबे श्वास उसको एक्सप्लेन करूंगा। करते करते ही योग क्यों करना, एक तो मैं कह रहा था योग खुद बोलता है, जो बता रहा हूं उसको करके देख लो। एक उसका जो पूरा मैकेनिज्म है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो पूरा मेथड है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। दोनों पैरों को ऐसे एक एक से या दोनों से कितनी बार करना है मोटी मोटी भाई बहनों को, सौ बार से लेके, अरे जोर से बोल तो दो, 500 बार। फिर से बोलो, जो 500 बार ऐसे एक एक पैर या दोनों पैरों को उठाएगा कोई मोटा मोटी, इसको कन्नड़ में बोलो तो कोई डुम्मा डुम्मी, तेलुगु में उधर तमिल में बोलो तो कोई गुंडा गुंडी, कोई गुजराती में बोलो तो कोई जाड़ा जाड़ी, अंग्रेजी में बोला तो कोई फैटा फैटी, हाँ ये फैटा फैटी है, कोई लंबे लंबे श्वास से पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। फिर यदि हो सके तो सर्वांगासन हलासन भी कर लेना, तो फिर थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। ये ना हो तो उज्जाई और सिंहासन कर लेना, और थोड़ा कपालभाति के साथ पॉइंट दबा लेना थायराइड का, तो चाहे थायराइड से मोटापा हो। अब बीमारियों के 10 बड़े कारण गिनाता हूं। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक डिजीज, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में, इस फार्मा इंडस्ट्री के पास में, इन ड्रग बेचने वालों के पास में, उपचार के नाम पर कुछ लोग अत्याचार करते हैं, और कुछ तो ड्रग माफिया है। अब मैंने ड्रग माफिया कह दिया, मेडिकल माफिया कह दिया, तो आपत्ति होगी। आमिर खान ने इनको खूब ठोका था। आमिर खान ने बोला, भाई जेनेटिक दवाई कितने की मिलती है, बोले 15 रुपए की, और बोले ब्रांडेड कितने की मिलती है, बोले 1500 की, बोले ये क्या है, बोले तत्व वही है, दवा वही है, बस उसके ऊपर नाम लगा रखा है। बताओ ये थोड़े दिनों में आम भी ब्रांडेड करके बेचेंगे। अरे आम भगवान ने दिया है, उसकी नस्ल अलग अलग हो सकती है, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी योग ग्राम में सब आम खिलाएंगे आपको। यहां स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने करीब 500 प्रकार की आम की प्रजातियां लगा रखी हैं, 500 प्रकार के। जिस बगीचे में आप योग अभ्यास कर रहे हो, ये भी पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, कुछ पहले के लगे हुए खा रहे, कुछ अब लगा रहे हैं। पहले तो बापू आम लगाया करे था, बेटा या पोता खाया करे था, आजकल तो ऐसी उन्नत नस्ल आ गई है, लोगों ने बड़ा अनुसंधान किया है, आम की अच्छी नस्ल हो, गधे घोड़ों की, कीड़े मकोड़ों की अच्छी नस्ल हो, कुत्ते बिल्लियों की अच्छी नस्ल हो, हम आदमी की नस्ल सुधारने का काम कर रहे हैं। योग से आदमी की नस्लें सुधर जाएंगी, उसकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। जेनेटिक बीमारी, बोलो, योग करने से जेनेटिक बीपी नहीं होगा, ये नहीं बढ़ेगा। और तुम्हें भी जेनेटिक बीपी है, जेनेटिक शुगर है, जेनेटिक अर्थराइटिस है, जेनेटिक थायराइड है, जेनेटिक अस्थमा है, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम है, जेनेटिकली लिवर किडनी वीक है, हार्ट वीक है, जेनेटिकली तुम्हें जेनेटिकली डिप्रेशन भी होता है। लंबे लंबे श्वास, हम जेनेटिक बीमारियों को जड़मूल से खत्म करते हैं, एक एक पैर, फिर दोनों पैरों से जो कर पाए वो कर लेना, नहीं तो पाद वृत्तासन। फिर ये तो वो कर लेना जो मोटे मोटे भाई बहन है, और जो मेरी तरह से ना मोटों में है ना पतलों में, तो वो अपना 25-50 बार ऐसे ही कर लेना, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर कमर दर्द वाले मरकटासन करना, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंधासन, कटुत्तानासन, और फिर जो डायबिटीज वाले भाई बहन है वो मेरे साथ बोलो पवन मुक्तासन। बोलो ये सब आसनों के नाम भी मैंने कपाल भाती अनुलोम विलोम, जैसे पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में किसी भी नाम का और किसी काम का प्रचार करने के लिए भी बहुत बड़ी कैंपेन चलानी पड़ती है। स्वामी रामदेव ने कपालभाति अनुलोम विलोम, ये नाम और काम पूरी दुनिया में बिना किसी पैसे के प्रचारित कर दिया, बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के कैंपेन कर दिया। क्या कर दिया? आज करोड़ों लोग कपाल भाती, कुछ लोग कपाल भाती को कपाल भारती भी बोलते हैं, बोलने दो, भारत माता का ही तो नाम बोल रहे हैं। कपाल भाती अनुलोम विलोम बहुतों को बोलना नहीं आता तो क्या बोलते हैं? अलुलोल विलोल। अरे कुछ तो बोल रहे हैं ना, किसी को इतना नहीं बोलना आता, अनुलोम विलोम याद नहीं रहता, या बोलने में थोड़ा प्रोनंसिएशन में दिक्कत होती है तो ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग बोलते हैं। कुछ भी बोल ले मेरे भाई, लंबे लंबे श्वास। बीमारियों का दूसरा बड़ा कारण, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। बीमारियों का एक कारण बताया जेनेटिक, क्या कारण है बोलो? जेनेटिक। दूसरा है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, तो लंबे लंबे श्वास लो मेरे भाई बहन। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। चौथा बड़ा कारण है लेस फिजिकल एक्सरसाइज एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। एक एक या दोनों पैरों से करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस मेडिटेशन, लेस योगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, योगा इन लाइफस्टाइल जरूरी है। योग लाइफस्टाइल नहीं होगा तो रोग तो होगा ही, फिर लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। सुन लो, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस योगा इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लेस योगा एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल डिजीज। एनवायरमेंट गड़बड़ हो गया है, वातावरण में जहर घुले हुए हैं, हवाओं में जहर है, मिट्टी पानी में जहर घोल दिया हमने, दिलों में जहर घोल दिए। हाँ, बीमारियों का और बड़ा कारण है, जिससे जो बन पाए अपना अपना कर लेना, मरकटासन कर लेना जिनको कमर में दर्द है। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इम्यूनो सप्रेशन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इम्यूनो सप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। योग करेंगे तो किसी की भी इम्यूनिटी कमजोर नहीं रहेगी। इम्यूनो सप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। बहुत कह रहे हैं स्वामी जी हमको रोग हो क्यों गया, तुम्हारी इम्यूनिटी वीक थी इसलिए हो गया। और इम्यूनिटी टोटलिटी में समझो, यदि तुम्हारा लीवर वीक है, आते कमजोर हैं, इफ योर लीवर इज वीक, इफ योर इंटेस्टाइन पेंक्रियाजिक इज वीक, इफ योर लंग इज वीक, आपका लीवर किडनी आते पेंक्रियाज फेफड़े हार्ट नर्वस सिस्टम आपका वीक है तो बीमारियां होंगी। कमजोर को कोई नहीं छोड़ेगा। ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज, बैक्टीरिया वायरस फंगस किस पर लगती है? सड़ी हुई चीज पर फंगस लगती है, जिंदा चीज पर फंगस नहीं लगती। अच्छा बताओ, आदमी मर जाए तो कितनी देर में पेट फूल जाता है, पूरी बॉडी फूल जाती है? 24 घंटे के अंदर तो पूरे शरीर से बदबू आने लगती है। जिंदे आदमी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस नहीं लगती। तो तुम जिंदा दिल हो, अरे लंबे लंबे श्वास भर लो, लंबे लंबे श्वास भर लो,
बीमारियों के चक्रव्यूह से अपने आप को निकालो, अपने आप को उभारो। सुबह सुबह एक सन्यासी आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। उपनिषद के ऋषि जगा रहे, वेद जगा रहे, यो जागार तमृचः कामयन्ति, यो जागार तमुसामान यन्ति। अपना अपना अभ्यास करते रहना, मोटापा वाले अभ्यास, कमर दर्द वाले कमर के अभ्यास, और शेष योगा फॉर ऑल, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, सबके लिए योग है, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। और बीमारियों का और कारण क्या है? ये बैक्टीरिया, ये वायरस, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल वायरल एंड फंगल डिजीज। ये यदि योग करोगे, और मैं ये इनका निवारण भी बता रहा हूं, तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोरोना या कोरोना का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना माने कोरोना, और कोरोना का बाप कौन है? चाइना। कोरोना और कोरोना का बाप तुम्हारा और तुम्हारे देह का, तुम्हारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि कमजोर रहे तो छोटा छोटा कोरोना और उससे थोड़ा बड़ा सा चाइनीज, छोटे छोटे ही बिगाड़ देंगे तुम्हारा खेल। और तुम ऋषियों की संतान हो के, राम कृष्ण के वंशज हो करके, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद भगवान बुद्ध महावीर के वंशज होके, भगवान विश्वामित्र के, रविदास के, कबीर के, भगवान वसन्ना के, संत ज्ञानेश्वर टुकड़ो जी महाराज, गाड़गी जी महाराज, शंकर देव माधव देव के, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य के, तो महान गुरुओं आचार्यों के वंशज होकर के, और ऐसे बेबसल आचार से घूम रहे ना, तो कोई कॉम्युनिकेबल डिजीज होगी और नहीं कोई नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। और मूल कारण कहा है आयुर्वेद में, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग प्रकोपणम सर्वदुख प्रकोपणम। चलो पवन मुक्तासन करो, और 100 बार से पहले किसी को रुकना नहीं, 100 बार कपाल भाती होगा, एक ही पवन मुक्तासन। आज से ही तुम्हारा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पायस, विसर, फिस्टुला, पेनक्रेटाइटिस, डायबिटीज, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रखा है, केमिकल्स और हार्मोन्स गड़बड़ हो रखे हैं, अरे भाई वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो रखे हैं, अपने आप को संभालो। समदोषाः समाग्निश समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्य विधीयते। ये पूर्ण स्वास्थ्य का योग इज ओनली वे फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। चलो चला जो कार वो है हम, चला जो कार वो है हम, इसे रुकने नहीं देंगे, ऋषियों की विरासत है, इसे झुकने नहीं देंगे। चला जो कार वो है हम, इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है, इसे झुकने नहीं देंगे। पतंजलि शान है इसकी, ध्वजा भारत के गौरव की, पतंजलि शान है इसकी,
ध्वजा भारत के गौरव की, किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे, किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे। चला जो कारवां है हम इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है इसे झुकने नहीं देंगे। सौ सौ बार करके, और जो थोड़े कमजोर हैं पहली पहली बार कर रहे हैं, पचास पचास बार करके दो बार कर लेना, चाहे पांच राउंड में करें या दस राउंड में करें, पूरा करना है। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करो, रुकना नहीं झुकना नहीं, चरई वेती चलते रहो, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, हरदम सदज्ञान के सद्भाव के सत्कर्म के सहारे, योग पथ पर वेद पथ पर ऋषि पथ पर सत्य न्याय के पथ पर आरोग्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना, सफलता विजय के पथ पर आगे बढ़ो। ये योग आधार है स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, सफलता का, विजय का, जीवन के निर्माण का और निर्वाण का भी, मोक्ष का भी आधार। मेरी पहचान इतनी है तेरा नंदन समझता हूँ, मेरी पहचान है इतनी तेरा नंदन समझता हूँ, जो सेवा देश की करता उसे वंदन समझता हूँ। हमारी मूल पहचान है हम ऋषियों की संतान है, बोलो हम ऋषियों की संतान है, हम ईश्वर की संतान है, राम कृष्ण के वंशज है। मेरी पहचान है तेरा नंदन समझता हूँ, जो सेवा देश की करता उसे वंदन समझता हूँ, मेरे अभियान में जो है दिया सब तून है मुझको, मेरे अभियान चरणों की रज को मैं बस चंदन समझता हूँ, मेरे अभियान में जो है दिया सब तूने है मुझको, तेरे चरणों की रज को मैं बस चंदन समझता हूँ। चला जो कारवां है इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है से झुकने नहीं देंगे। बीच में थोड़ा सा विश्राम कर लिया करो, 10-20 सेकंड लंबे लंबे श्वास भर लिया करो, श्रम और विश्राम ये क्रम है, प्रार्थना और पुरुषार्थ, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, योग और कर्म योग, बस चलते रहो यथाशक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण से, गुरु और भगवान की पूर्ण शरणागति से करना, बस एक अनुष्ठान की तरह। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे ही पांच पांच दस दस बार दोहराने करते जाओ, रुकना नहीं। हमको अलग सबसे दिखाती है, हमारी योग्यता हमको अलग सबसे दिखाती है, हमारी सभ्यता हमको सदा ऊंचा उठाती है, हमारी योग्यता हमको अलग सबसे दिखाती है, हमारी सभ्यता हमको सदा ऊंचा दिखाती है, हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में, हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में,
की मिट्टी हमें जीना सिखाती है। चला जो कारवां है हम इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है इसे झुकने नहीं देंगे। पतंजलि शान है इसकी वजह भारत के गौरव की, पतंजलि शान है इसकी वजह भारत के गौरव की, किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे। चला जो कालवा है हम इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है इसे झुकने नहीं देंगे। तुम भी कर रहे हो ना, ऐसे नहीं बनेगी बात। हाँ चलो सेतु बंधासन भी करो, अभी तो कारवां शुरू हुआ है, मंजिल अभी और है। जब तक पूर्ण आरोग्य नहीं मिलेगा पूर्ण शांति नहीं मिलेगी, सब रोगों की विकारों की दोषों की दुर्बलताओं की पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। ये सर्व रोग मुक्ति अभियान है, क्या है बोलो? सर्व रोग मुक्ति अभियान, सर्व दुख दारिद्र से मुक्ति का अभियान, सब व्यसनों से विकारों से क्लेशों से वासनाओं से अंधेरों से मुक्ति का अभियान है ये योग। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सारे संसार के कल्याण का अभियान है ये, केवल भारत के कल्याण का नहीं, लोक कल्याण लोक मंगल विश्व मंगल का अनुष्ठान है, करते रहो जिससे जितना बन पाए। हमारी योग्यता हमको अलग सबसे दिखाती है, हमारी सभ्यता हमको सदा ऊंचा उठाती है। हमारी योग्यता हमको अलग सबसे दिखाती है, हमारी सभ्यता हमको सदा ऊंचा उठाती है। हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में, हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में, हमारे देश की मिट्टी हमें जीना सिखाती है। चला जो कारवां है इसे रुकने नहीं देंगे, ये ऋषियों की विरासत है इसे झुकने नहीं देंगे। पतंजलि शान है इसकी ध्वजा भारत के गौरव की, किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे। अब जिनसे बन पाए वो सर्वांगासन हलासन भी कर लेना, और बाकी फिर से जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन की तीनों अभ्यास और मरकटासन के बाद एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से सेतु बंधासन, कटित्तानासन, और जिनको फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, पैनक्रियाटाइटिस है, पायस सर्फिस्टुला, इनफर्टिलिटी है, मूत्र रोग है, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रेटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, नींद नहीं आती है, मैं बेचैन रहता हूँ, सब कर लेना पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि। कितनी कितनी देर? एक दो मिनट से स्टार्ट करके
यहां 3 मिनट 3 दिन में ही 10 मिनट तक करवा देते। 5 राउंड में कर लो, 10 राउंड में कर लो, एक एक मिनट करके कर, आधा आधा मिनट करके कर लो। और जो समर्थ है भी सर्वांगासन हलासन भी कर लो। सर्वांगासन हलासन, सब बहुत अच्छे योगी हो गए आप तो। शुक्रिया आपको, धन्यवाद। उल्टे लेट जाओ, लेकिन जो डायबिटीज वाले भाई बहन है, फैटी लिवर वाले हैं, पेट बहुत गड़बड़ है, वे दोबारा करना फिर। अभी तो एक राउंड मेरे साथ साथ कर लो, फिर दोबारा कराएंगे उनको पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, नौकासन आदि। एक बार मेरे साथ सभी कर लो, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। हम ऐसे योग कराते जो सब कर पाते हैं। एक बच्चों के लिए कराते हैं, वो कॉम्पिटिटिव योग होता है, कॉम्पिटिशन के लिए। और योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भी बना दी गई है मोदी सरकार ने, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस काम के लिए भी। और इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का स्वामी रामदेवी चेयरमैन है, बिना चेयर वाला चेयरमैन है। अब काम वाला योगासन तो आसन पर होगा, कोई चेयर पर थोड़ी होगा। बहुत जगह बोला जाता है ही इज द चेयरमैन, ही इज द चेयर पर्सन। हमारी चेयर ही नहीं, कोई चेयर वाले हैं, कोई चेयर्स वाले हैं। मैंने एक से पूछा, भाई ये तुम ये दारू पीते हो तो ये गिलासों को लड़ाते क्यों? बोले जी इसका ये प्रतीक है कि जो दारू पिएगा वो लड़ेगा और मरेगा। फिर भी बावड़े बावड़े काम करते हैं। कितनी गंदी दुर्गंध आती है उसमें, मतलब सड़ांध आती है। और ये सभ्य कहलाते हैं कि हम सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, दारू पीते हैं। और इसको कौन कौन पीता है, मैं सुबह सुबह बोल दिया ना, तो फिर पंगा और दंगा हो जाएगा। आजकल सच बोलने में भी लोगों को, चलो बोलना तो बहुत दूर की बात रही, सुनना सुनना ही नहीं चाहते। सुरो मेरे भाई बहनों, जो नहीं कर पा रहे आसन, वो भी भस्त्री का कपाल भांति अनुलोम विलोम करते रहो। मैं कह रहा था ये प्रक्रिया है, रोग का कारण चाहे जो हो। अभी मैं कारण बता रहा था ना, क्या क्या बताया याद है? क्या बताया था रोगों का कारण? जेनेटिक डिजीज। दूसरा क्या बताया था? लेस ऑक्सीजन। फिर क्या बताया था? लेस योगा, लेस एक्सरसाइज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और क्या बताया था? गलत वातावरण, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, प्रदूषित वातावरण, स्ट्रेस। और क्या बताया था? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज। और क्या बताया था? लो इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी अंग्रेजी की में कोई दवाई है इन ड्रग माफियाओं के पास? बोले बाबा जी माफिया क्यों बोलते हो? ये हमसे माफी मंगवाते हैं इसलिए बोलता हूं। अपराध खुद करे और माफी हमसे मंगवा, थारी ऐसी तैसी। भाई हम तो गांव के आदमी हैं भाई, तुम अब हो सकता है ये हेडलाइन बना दिया आजकल ना, मेरी एक एक लाइन को कट कर रहे हैं। मैं भी देखता हूं कर लो कितना काटोगे। हम तो काटने पीटने में विश्वास रखते नहीं। फिर बोल बाबू जी ठुकाई क्यों करते रहते हो? ठुकाई और घुटाई करने से तो मर्दनम गुणवर्धनम। आयुर्वेद में कहा जितना मर्दन करोगे, भस्म का, रस रसायन का, जो आपको दवाएं खिलाते हैं ना, बहुत घुटाई करते हैं। हमारे पास में 5-5 टन की खरल है। कितनी? 5-5 टन। मर्दनम गुणवर्धनम। तो भाई ये शरीर का भी मर्दन करता हूं मैं सुबह सुबह, तुम्हारा मर्दन नहीं कर रखा था? घुटाई की कि नहीं की बताओ? अब उस घुटाई को कोई पिटाई बोले तो गलत बात है ना।
थोड़ा सा तुम्हारा मनोरंजन करवा देता हूँ। कुछ कहते हैं ये बाबा बीच बीच में ऐसे ऐसे क्यों बोलते हैं। अरे भाई मैं 2.5 घंटा योग कराता हूँ, यदि मैं समाधि की बात करता रहूँगा तो सब सो जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा जगाना भी पड़ता है। मैं मासेज का व्यक्ति हूँ, क्लासेज का हूँ नहीं। सुपर डुपर क्लास कैसे होती है? एक मासूम सा चेहरा जिसके ऊपर बहुत मलमल से कपड़े और चेहरे पर मेकअप लगा हुआ, जरा सी बूंदे पड़ जाए तो नक्शा बिगड़ जाए। फिर चश्मा भी स्टाइल से पहनते हैं, स्टाइल से अलग करते हैं, बालों का भी अलग स्टाइल होता है। फिर चेहरे के ऊपर भी 10 तरह के, आँखों के नीचे कुछ लगता है, आँखों के ऊपर कुछ लगता है, पलकों पर और कुछ लगता है, फिर माथे पर कुछ लगता है, फिर बालों में कुछ और कुछ लगता है, गालों में कुछ और लगता है, सिकारा सिकारा पिकारा नकारा। हाँ, फिर बहुत सज धज के रहते हैं। और यहाँ तो फक्कड़नाथ हैं, भोलेनाथ भोले भंडारी। चलो जिसको अच्छा लगता है कर लेना, ऐसे में किसी का उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ। अब किसी को ऐसा ही सुंदर ऐसा बनने में बनने ठनने में अच्छा लगता हो, योग करोगे तो बताओ सबसे छोटी उम्र की बिटिया गुड़िया छोटा बालक या बालिका अच्छी लगती है या ये बड़े बड़े खड़ूस छोटे बालक और बालिकाएं कितने अच्छे लगते हैं? कोई मेकअप करते हैं? कुछ नहीं, छोटी सी फिराक, छोटी सी जो है कोई भी कपड़ा। और हम तो 8-10 साल के ऐसे नंगे घुमा करते थे थे ही नहीं कपड़े पहनते क्या उससे न, हमने तो शुरू से नेचुरोपैथी सीखी आजकल वालों को माँ बाप इतने रे राम राम कपड़े पहना देते हैं, उनको बचपन से विटामिन डी कमजोर पड़ जाता है, 5-5 लेयर कपड़े। चलो उठाओ सामने से। वैसे हम बचपन में नंगे घुमा करते थे, ये अंग्रेज बुड्ढे होके नंगे घुमा। हाँ, मैं विदेश में गया, जहां देखो समुद्र के किनारे नंगे पड़े हुए। भारत में भी आके गोवा में मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, तो मेरे साथ वाले बोले बाबा जी आपको दिख नहीं रहा है क्या है? मोरा हमारे हमारे तो गांव में गाय और भैंस नंगी घूमे, हमने कब देखी मैं किसी को गाय भैंस से उपमा नहीं दे रहा हूं, गाय तो हमारी माता है, लेकिन जैसे गाय भैंस कपड़े नहीं पहनती वैसे वो भी नहीं पहनते। अभी आदमी बनने में समय लगेगा उनको। लंबे लंबे श्वास उठाओ सामने से। और कपड़े कोई कम पहने या ज्यादा पहने हमको कोई दिक्कत? लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे करो ऐसे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ना 2-4-5-10 बार से शुरू करके ऐसे भुजंगासन 3 तरह से आराम से कर लेते हैं। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। तो देखो एक एक पैर से सलभासन आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह। Thank you.
एक एक आसन को ना एक एक दो दो मिनट करके ऐसे 5-10 मिनट तक आराम आराम से कर, भयंकर उठली के बैठ जाओ।